नमः शिवाय। आज हम लोग वचन पाठ से अभ्यास कार्य करेंगे। एक्सरसाइज 1, वचन बदलो। जैसे झील तो झीलें, इसी तरह बाद बाकी शब्दों के वचन बदलने हैं। दूसरा शब्द है वधु। नंबर 3, गुब्बारा। नंबर 4, शक्तियाँ। नंबर 5, घाटी। नंबर 6, दर्शक। नंबर 7, लेखिका। नंबर 8, पत्ता। नंबर 9, आँख। नंबर 10, कहानियाँ। नंबर 11, मेज। नंबर 12, पक्षी। नंबर 13, गौ। नंबर 14, टिड्डी। नंबर 15, कारें। नंबर 16, अलमारियां। नंबर 17, अध्यापिका। नंबर 18, कला। नंबर 19, पंक्तियां। नंबर 20, ऋतु। एक्सरसाइज 2, वचन बदलकर वाक्य पुनः लिखो। जैसे हमारी अध्यापिका अच्छा पढ़ाती हैं, तो क्या हो जाएगा ये? हमारी अध्यापिकाएं अच्छा पढ़ाती हैं। इसी तरह से बाद बाकी सभी वाक्यों के वचन बदलकर उन वाक्यों को पुनः लिखना है। नंबर 2, तितली फूल पर बैठी है। नंबर 3, बच्चा कार्टून देख रहा है। नंबर 4, लड़का खिलौना खरीद रहा है। नंबर 5, विद्यार्थी शांत बैठा है। नंबर 6, लता ने लाल रंग की चूड़ी पहन रखी थी। नंबर 7, महिला पूजा कर रही है। नंबर 8, उसने खाना खा लिया है। नंबर 9, उसकी इच्छाएं पूरी हो गई। नंबर 10, सीधा बच्चा चुपचाप मार खा लेता है। एक्सरसाइज 3, वाक्य बनाकर वचन निर्णय करो। निम्न शब्दों के वाक्य बनाकर वचन निर्णय करना है। जैसे दर्शन, दर्शन शब्द से वाक्य बनाया गया है। कितने दिनों बाद तुम्हारे दर्शन हुए? तो यह शब्द दर्शन शब्द बहुवचन है। इसी तरह से बाद बाकी सभी शब्दों से वाक्य बनाकर उनका वचन निर्णय करना है। नंबर 2, आंसू। नंबर 3, पेट्रोल। नंबर 4, दया। नंबर 5, पानी। नंबर 6, भीड़। एक्सरसाइज 4, वचन संबंधी अशुद्धियों को शुद्ध करके वाक्य को दोबारा लिखो। निम्न वाक्यों में वचन संबंधी कुछ अशुद्धियां हैं, उन अशुद्धियों को शुद्ध करके वाक्यों को दोबारा लिखना है। नंबर 1, गांधी जी एक महान पुरुष था। नंबर 2, पंजाब में 5 नदी बहती है। नंबर 3, नल में पानी आ गए। नंबर 4, अर्जुन और भीम भाई था। नंबर 5, अभी तो 9 बजा है। नंबर 6, अनेकों लोग वहां जमा हो गए। इस तरह से हमारा पाठ पूरा हो गया। इस वचन पाठ के सभी एक्सरसाइज को हिंदी लैंग्वेज कॉपी में सॉल्व करना है। नमः शिवाय।